हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस जो दो तीन लेक्चर हो चुके हैं टेंसर्स के, तो टेंसर पे हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली। पहले तो हमने टेंसर क्या होता है इसके बारे में बात की, टेंसर के टाइप, कॉन्ट्रा वेरियंट, कोवेरियंट और मिक्सड टेंसर, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित टेंसर, उनके बारे में बात कर ली। फिर उससे रिलेटेड हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं इनका, एक फ्रेम में पता हो दूसरे में कैसे करते हैं। और फिर हमने उसके बाद में मेट्रिक टेंसर के बारे में बात की थी, दूरिक प्रदिश। दूरिक प्रदिश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो दूरिक प्रदिश से रिलेटेड होंगे, मेट्रिक टेंसर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। देखो क्या है, ऐसा पूछा जाता है कि एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है या एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, बेलनाकार या कौन सा, एक दूसरा कौन सा होता है, गोलीय। इनके अंदर आपके मैट्रिक टेंसर लिखिए इनका, तो इसका मतलब क्या है? पहली चीज तो इसमें क्या करना है, गोलीय निर्देश तंत्र, मान लो गोलीय मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल में आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना है मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर मतलब आपको जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए, स्फेरिकल पूछे या आपको सिलेंड्रिकल पूछे, गोलीय पूछे या बेलनाकार पूछे या कोई और पूछ ले, नहीं या कोई अलग बना के, सबके लिए तरीका ऐसा सेम ही है। क्या करोगे आप, आपको पता है कि क्या होता है, dl वेक्टर जो होता है वो होता है h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। और ये जो चीज है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखी जाती है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखी जाती है, ये डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के, ऐसे लिखा जाता है ना। मतलब एक तरीके से अगर हम लोग देखा, यहाँ पे देखा जाए तो H1 क्या होता है, H1 1 होता है, यहाँ पे H2 क्या होता है, H2 होता है R, और H3 क्या होता है, R sin theta, ये होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो अगर हम लोग DL वेक्टर को DL वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, DL स्क्वायर मिलता है ना अपने को, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते तो अपने को पता है कि जब मल्टीप्लाई करते तो आर आर के साथ वाला कंपोनेंट ही मिलेगा, आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही कंपोनेंट मिलेगा। तो ये अरे डीएल को डीएल से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आर वाले के साथ होगा, थीटा वाले के साथ फाइव, आर वाला फाइव वाले के साथ में भी होगा, लेकिन वो टर्म जीरो आ जाते हैं क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कैसा होता है, ऑर्थोगोनल होता है, लाम्बिक निर्देश अंतर होता है, मतलब आर के और थीटा के परपेंडिकुलर होते हैं, आर के फाई के परपेंडिकुलर, मतलब हर एक डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली, तो आर आर के वाले के साथ वाला कंपोनेंट बचेगा तो ये आ जाता है डी आर डॉट डी आर। इसी तरीके से ये जो आता है इसमें इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर डी थीटा डॉट डी थीटा, और इसमें जो आता है वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई डॉट डी फाई, ऐसे तो आएगा, खुद के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो ये देखो, हाँ ये जो है, अगर डीएल स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करूं तो यहां से क्या आता है, डीएल स्क्वायर ये खुद के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो एच वन एच वन, मतलब एच वन स्क्वायर डी यू वन डॉट डी यू वन, डी यू वन का भी स्क्वायर हो गया, मतलब पर मैं इसे को ऐसे लिख रहा हूं, खुद के साथ में होगा तो एच टू स्क्वायर डी यू टू डॉट डी यू टू प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री डॉट डी यू थ्री, ऐसे आएगा, क्लियर है। अभी देखिए इसके अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां से तो यहां पर ये चीज ये है, ये वाला दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है, तो यहां पर जो बचा आपके पास में एच वन स्क्वायर वो वन है, एच टू स्क्वायर वो क्या है आर स्क्वायर, और एच थ्री स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो चीज वैसे भी पता थी अपने को, यहां से भी स्क्वायर करते तो ये मिलता है ना, यहाँ पे ये आर साइन थीटा, एच थ्री क्या है आर साइन थीटा, ये पूरा ही है ना।
ये मिल गया। अभी देखिए अपना क्या होता है, b1 वेक्टर मान लो कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, b1 क्या होता है h1 e1 कैप होता है, b1 दूसरा h1 e1 कैप आएगा, तो b1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्या आएगा, h1 into h1 मतलब h1 स्क्वायर, ऐसे होगा h1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से b2 कैलकुलेट करो तो b2 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, h2 का स्क्वायर आएगा, b3 कैलकुलेट करोगे तो h3 का स्क्वायर आएगा, और मान लो b1 into b2 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, h1 dot h2 आ जाएगा। मतलब जिसका भी आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ये होता है इनका। अब आप ये देखो हमारे पास में h1 वो जो मिलता है वो 1 मिलता है, h2 मिलता है वो r square मिलता है, h3 मिलता है, ये मिलता है, बाकी और कोई भी चीजें होती है मतलब h1 को h2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो मिलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो एक वन वाली डायरेक्शन टू से मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो हो जाता है। मतलब आपके पास में तीन ही कंपोनेंट मिले। अगर मैं g की बात करूं तो ये g की तो क्या होगा, ये ऐसे होगा gij का मतलब क्या है, ij का मतलब होगा g11 g12 g13 g21 g22 g23 g31 g32 g33 ऐसे आएगा। 11 रखोगे तो 11 का वैल्यू है आपके पास में क्या है, ये रहा। 22 से क्या होगा, 22 से मतलब यही तो है H22 ये होगा। H33 से मतलब क्या है, यही इसका, तो ये आ जाएगा यहाँ से। बाकी के टर्म्स जीरो होते हैं क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से ये G11 जो है, G11 ही मिल गया, ये जो मिला आपको क्या मिला है, ये मिला है G11, ये G22, ये G33, जैसे ये मिलेगा क्या मिलेगा G12, बट ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके के ये तीन टर्म मिलेंगे जिनकी वैल्यू आ रहा है 1 r square साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब जीरो आ रहे हैं। बाकी ये मिल गया आपका दूरिक प्रदिश, मैट्रिक टेंसर जो था ये मिल गया यहां से। तो आपको क्या करना है, आपको तो ये h1 square h2 square h3 square कैलकुलेट करना है। ये आपका g11 g22 और g33 है, बाकी तो क्या होंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल सिस्टम है ना ये, लाम्बिक निर्देश तंत्र, तो लाम्बिक में ही बाकी के टर्म्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल का भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। सिलेंड्रिकल का क्या करोगे, अगर सिलेंड्रिकल टाइप का है मान लो बेलनाकार है, तो बेलनाकार में क्या होता है, बेलनाकार में dl वेक्टर जो होता है ना उसको लिखते हैं rho d theta theta cap plus rho d phi cap plus z d z z cap, ऐसे होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें जो h1 जो होता है, h1 ये 1 है, h2 क्या है रो है, और h3 क्या है वो भी 1 है। तो अगर इनका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करें h1 स्क्वायर, जो कि क्या होगा आपका g11 आएगा, ये 1 होगा। h2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा g22, ये क्या आएगा, ये रो स्क्वायर आ जाएगा। और h3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा g33, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। और ये फाइनली जाके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इसमें आएगा, ये वाले टर्म तो ये है तीन टर्म ये आ गए, बाकी के टर्म जीरो होंगे। क्यों ये तो 1 होगा, सॉरी क्यों जीरो हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिस्टम है, लाम्बिक निर्देश अंतर है, तो लाम्बिक निर्देश अंतरों में क्या होता है, एक का दूसरे से जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन से, तो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अरे b1 का b2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b1 है मान लो x डायरेक्शन, रो वाली डायरेक्शन है, और ये फाई वाली, तो रो और फाई वाली डायरेक्शन जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जीरो हो जाता है।
इस वजह से ये, ठीक है, ये मिल गया एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा बोला जाता है कि जो वेलोसिटी है वो कॉन्ट्रावेरियंट टाइप का टेंसर होता है। वेग जो होता है प्रतिचर प्रदिश होता है, वेग जो है कैसा होता है, प्रतिचर प्रदिश, वेग जो है वो प्रतिचर प्रदिश होता है, मतलब कॉन्ट्रावेरियंट होता है, कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर होता है वेलोसिटी, ठीक है। देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरियंट प्रदिश होता है। कॉन्ट्रावेरियंट प्रदिश कैसे होता है समझिए बात को, ऐसा है वेलोसिटी क्या होता है पहले ये देख लीजिए, वेलोसिटी होता है डी आर वेक्टर बाय डी टी, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, ऐसा होता है ये होता है। मैं उस तरीके से लिखूं तो इनको वेरिएबल को x1 लिख देता हूं, इसको x2 लिख देता हूं और इसको x3 लिख देता हूं टेंसर वाले टर्म में। इसका डिफरेंशिएशन करो, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो क्या आएगा डी एक्स वन डी टी आई के डी एक्स टू डी टी जे के डी एक्स थ्री डी टी के, ऐसा हो गया। कोई भी टेंसर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको ये चेक करना हो कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट, तो आपके पास टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना, इसका रूपांतरण करना है। जब रूपांतरण करोगे तो वहां पे फॉर्मूला दिखेगा आपको, वो फॉर्मूला अगर कोवेरिएंट टाइप का आ रहा है तो कोवेरिएंट होगा, अगर कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का आ रहा है तो कॉन्ट्रावेरिएंट। सबसे पहले तो अभी मैं वेलोसिटी देख लेता हूं क्या हो रहा है, ये आ गया। अभी किसी भी कंपोनेंट को अगर कैलकुलेट करना चाहूं, वेलोसिटी का ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा है, तीसरा, मान लो मैं ऐसे करूं कि वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट है म्यू, तो वो कैसे आ रहा है डी एक्स म्यू अपॉन डी टी, ऐसे तो आ रहा है। मतलब पहला कंपोनेंट निकालना है, वन रख दो तो ये वन ये आ जाएगा, टू रखू टू रख दो तो ये आ जाएगा, ऐसे है ना, ऐसा सिस्टम है। वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। आगे चलिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मान लो कि एक्स म्यू है और एक्स म्यू फंक्शन है किसका, एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स थ्री बार, ऐसे इनका फंक्शन है। तो अगर इनमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, इसमें जो चेंज होता है डी एक्स म्यू वो क्या होगा, इसका पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो इंटो डी एक्स वन, ऐसे आएगा, प्लस दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो इंटो डी एक्स टू बार, इसी तरीके सबका आएगा, सबका आएगा, मतलब समेशन करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, तो समेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते थे कि चलो समेशन कर दो, यहाँ पर वन रखेंगे टू रखेंगे थ्री रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई, आई लिख देता हूँ यहाँ पे, आई लिखने के बजाय क्या कुछ और लिख देता हूँ मैं, न्यू लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दे। अब मुझे पता है कि समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वेरिएबल ही रिपीट हो गया ना तो उसका मतलब भी समेशन नहीं होता, तो समेशन नहीं लगा रहा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो इसको मैं डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, डी टी से ये जो है इसको डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या है वेलोसिटी वी म्यू, ये टर्म क्या है, ये भी वेलोसिटी जैसा ही है, बस यहाँ पे म्यू है यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे बार नहीं है यहाँ पे बार है, मतलब यहाँ पे जब वेलोसिटी आएगा तो वो बार में आएगा। इसको तो ऐसे लिख दो डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार न्यू, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो बार में आएगा, बार न्यू, क्लियर है का? तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे म्यू है यहाँ पे न्यू, ये चलिए। अब ये देखिए ये वेलोसिटी एक फ्रेम में, ये बार वाले फ्रेम में, ये विदाउट बार वाले फ्रेम में, मतलब डैश वाले में, ये विदाउट डैश वाले में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किस टाइप का आया है। ये जो है एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, सही है। यहां पे जो आ रहा है वो यहां पे मिल रहा है और यहां पे जो आ रहा है वो यहां पे मिल रहा है, ऐसा किस में होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट में होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट में ऐसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ऊपर आ रहा है तो वैसे भी कॉन्ट्रावेरिएंट ही है,
तो ये कॉन्ट्रा वेरियंट मतलब जिसको बोलते हैं प्रतिचर, प्रतिचर प्रदेश हो गए, ठीक है, ये प्रतिचर प्रदेश मिल गया, क्लियर है। तो ये आपको प्रतिचर प्रदेश मिल गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, वेलोसिटी को जनरली ऐसे लिखते हैं, तो इसको मैंने वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म में लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने बोला कि मान लो कोई भी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, पहला घटक दूसरा घटक, तो इसको हम लोग जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि पहला करना है तो म्यू, यहाँ पे म्यू, वन करना है तो वन आते ही ये पहला आ जाएगा, टू कर दे टू आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो मैंने एक वेरिएबल बोला कि ये तरीका मैंने उसमें बताया था मैट्रिक टेंसर में भी कि एक्स म्यू को इस इनका फंक्शन मान लो, इनका फंक्शन मानते क्या हो जाएगा, इसमें जो चेंज आएगा वो इधर से चेंज कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, फिर जो भी आया उसको डी टी से डिवाइड कर दिया था क्योंकि मुझे वेलोसिटी बनाना था, तो वेलोसिटी बन गया ये। और ये जो वेलोसिटी बनने के बाद में जो दिख रहा है ये कॉन्ट्रावेरियन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा होता प्रतिचर प्रदेशों का, प्रतिचर प्रदेशों का रूपांतरण, ये मिल गया अपने को, ठीक है, ये आ गया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, नोट्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि कार्तीय निर्देशांकों में एक सहचर प्रदेश, एक सहचर प्रदेश है मतलब एक कोवेरिएंट टेंसर है जिसके जो कंपोनेंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट गिवन है आपको एक्स वाई टू वाई माइनस जेड स्क्वायर और एक्स जेड, ये कंपोनेंट गिवन है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, ठीक है। और ये सहचर टाइप का प्रदेश है, मतलब एक प्रदेश है सहचर टाइप का, मतलब कोवेरिएंट टाइप का टेंसर है, उसके कंपोनेंट है ये तीन, जैसे ए वन ए टू ए थ्री मान, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये कंपोनेंट आपको गोली निर्देश तंत्र में कैलकुलेट करना है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है। तो ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता, तो आप इसको मान लो ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एक्स वाई जेड को कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं एक्स वन, इसको लिखते हैं एक्स टू, इसको लिखते हैं एक्स थ्री, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स को एक्स वन और ये हो गया एक्स टू, ये स्क्वायर नहीं है एक्स टू है, इसी तरीके से टू ये एक्स टू है वाई है, जेड जेड को एक्स थ्री लिखते हैं, एक्स थ्री का स्क्वायर ये है एक्स वन और जेड है एक्स थ्री, ऐसे हो गया, ये ए वन ए टू ए थ्री मिल गया। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास में ये पता, आपको ये चीज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना, ए वन बार ए टू बार ए थ्री बार, स्फेरिकल मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये कैलकुलेट करना है, मतलब ए वन बार, दूसरे में मैं बार से लिख देता हूँ ना, ए वन बार ए टू बार ए थ्री, ये कैलकुलेट करना है, ये तीनों, फिर दूसरी चीज ये जो बार वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहा हूँ, उसमें जो वेरिएबल होंगे वो u1 u2 u3 होंगे, दूसरे वेरिएबल होंगे ना, जिनको जनरली हम लोग बोल देते हैं u1 u2 u3 को क्या बोल देते हैं, r थीटा फाई होता है या रो थीटा फाई, r थीटा और फाई होते हैं, ये होते हैं तीन वेरिएबल। इसको और तरीके से बोलूं तो यहां पे जैसे x1 x2 x3 बोल रहे थे तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें x1 बार हो जाएगा, x2 बार हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा x3 बार, ऐसे लिख सकते हैं हम इनको वेरिएबल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, रूपांतरण करना है, तो रूपांतरण समीकरण हमने पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, और ये कैसा है, क्या बोला है इसको, कॉन्ट्रावेरियंट बोला है कोवेरियंट बोला है, क्या बोला है, ये बोला है इसको सहचर, सहचर बोला है, सहचर मतलब कोवेरियंट, कोवेरियंट मतलब ये नीचे लिखना है आपको, मैंने नीचे लिखा है, अगर कॉन्ट्रावेरियंट बोलता तो ये ऊपर लिखना होता, ठीक है। अब देखो आपको ये तीनों कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है इसे कोवेरियंट का, कोवेरियंट को ट्रांसफॉर्मेशन करने का फॉर्मूला था इसे, मान लो यहाँ पे आई होता है तो ये म्यू होता है, जो भी है यहाँ पे मान लो म्यू है तो ये ऐसे होता है डेल एक्स, डेल एक्स यहाँ पे ए न्यू आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आता है
कॉन्ट्रा वेरिएंट, कोवेरिएंट में नीचे आता है और ये ऊपर आता है, कोवेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये होता है। इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके बताता हूँ, अब इसको यूज करना है। ये तो एक जनरल फॉर्म आ गया, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करना है, कैसे इसको ऐसे करना है। मान लो आपके आपको ए वन म्यू का मतलब कुछ भी हो सकता है, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, आपको पहला कंपोनेंट कैलकुलेट करना ए वन बार, है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, म्यू की जगह वन रख दो, म्यू की जगह तो रख दो आप वन, और इसकी जगह देखो ये न्यू रिपीट हो रहा है ना, डमी वेरिएबल है ये, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब है न्यू का वैल्यू वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, ऐसे ऐड करते जाओ। तो वन ये इसका तो वन ही रखना है, रिपीट के कौन हो रहा है न्यू, तो न्यू का वैल्यू टू रखो अभी, टू एट टू प्लस डेल एक्स थ्री, डेल एक्स वन आएगा एट, बात समझ। ये पहला, अगर दूसरा कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो एट टू रख दो म्यू की जगह, आई बात समझ, क्लियर है क्या, ये चीज करनी है आपको, ठीक है। जैसे अगर सिंप्लीफाई करूं मैं इसको, तो मान लो आपको पहला वेरिएबल कैलकुलेट करना है, पहला कंपोनेंट एक में कैलकुलेट करके बता दो, तो दूसरा आपको करना खुद को, ठीक है। पहला तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई स्पेरिकल में कर रहे हैं, स्पेरिकल में ये जो चीज होता है ये आर है, ये क्या है थीटा है, और ये जो वेरिएबल है ये क्या, सॉरी 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 मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ये जो वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल बात कर रहा है अभी, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है आर है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। x बार 2 होता तो वो थीटा होता, x बार 3 होता तो वो पाई होता, जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे आपको बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे x1 x2 x3 का मतलब क्या, x y z, इसका मतलब है कि आपका x y और z का डिफरेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में, फिर x2 मतलब y का डिफरेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में, फिर इसका x3 का डिफरेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में। तो ये x y और z ही तो है, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो x y z ही है, तो मतलब ये क्या है a1 बार, ये है डेल x बाय डेल r, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है एक तरीके से आप समझो, तो ये a1 प्लस ये हो रहा है y का r के रिस्पेक्ट में, a2 ये z का हो रहा है r के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, ऐसा आएगा, ठीक है। ये चीज आ रही है यहाँ पे, अब देखिए x का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको x पता होना चाहिए, तो आपने जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था x y और z, ये r लेते थे आप, ये थीटा हो जाता था, इधर से ये फाई आता था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो r cos थीटा, r साइन थीटा, x जो होता था r साइन थीटा cos थीटा cos phi, cos phi ये phi होता था, और y जो होता था वो r साइन थीटा साइन phi, और z जो होता था वो r cos थीटा, याद, x का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, z का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो भी वैल्यू आए यहाँ पे पुट कर देना, a1 a2 a3 इनके वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, ये रहे a1 का वैल्यू ये है, a2 का वैल्यू ये है, a3 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू रख देना, यहाँ पे भी x y z के वैल्यू यहाँ से रख सकते हो आप, नोट्स में किया हुआ है, जैसे a1 कैलकुलेट किया वैसे a2 कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे a3 कैलकुलेट कर सकते हो। मेन जो फंडा था वो तो अब तक था ही था, ये था यही तक का, इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, क्या है एक फ्रेम में आपको गिवन है कि a1 a2 a3 कोवेरिएंट गिवन है, सहचर प्रदेश गिवन है, सहचर का मतलब आपने नीचे माना है, अगर कॉन्ट्रा वेरिएंट होता तो इसको ऐसे मानते आप a1 a2 a3,
प्रतिशत गिवन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स में गिवन है तो एक्स वाई जेड को हम लोगों ने ऐसे वेरिएबल मान लिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब आपको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना मतलब ये तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। तो आपके u1 u2 u3 तीन वेरिएबल होते हैं स्पेरिकल में, उनको r थीटा फाई बोल देते हैं हम लोग, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करूँ ट्रांसफॉर्मेशन करना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता करना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें अपने को पता है कि ये जो म्यू है, म्यू यहाँ पे आएगा तो वन पहला कंपोनेंट कैलकुलेट करना तो वन 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 आता रहेगा, है ना। और यहाँ पे न्यू रिपीट हो रहा तो न्यू मतलब वन टू थ्री तीन तक करने हैं, तीन कर लिए। अब यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वाई जेड ही है, और ये क्या है आर थीटा फाई है, मतलब आर ये तो वन वन ही है तो आर आर आ जाएगा, जब टू आएगा तो टू थीटा आ जाएगा, एक्स बार थ्री आ जाएगा तो फाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x का डिफरेंशिएशन और r के रिस्पेक्ट में, y का r के, z के रिस्पेक्ट में r का, तो x y z पता होने चाहिए, x y z ये ऐसे होते हैं, ये पता होने चाहिए आपको, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैंने सिखाया था कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा बताया था। ये हो गया, तो x का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना, और यहाँ पे y का फिर z का फिर a1 a2 a3 के ऊपर वैल्यूज है, सबके वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से a1 कैलकुलेट करोगे उसी वे में a2 कैलकुलेट करना, उसी वे में a3 कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मान लो इसकी जगह स्पेरिकल कोऑर्डिनेट नहीं दे के आपको मान लो बेलनाकार निर्देश तंत्र में पूछ लेता, सिलेंड्रिकल में पूछ लेता, तो सिलेंड्रिकल में क्या होता, यहाँ पर r थीटा फाई की जगह क्या होता था, रो फाई जेड, वो तीन वेरिएबल आते और एक्स वाई जेड का वैल्यू अलग होता, और सिलेंड्रिकल में होता फिर वो। ठीक है, तो वो उस तरीके से कैलकुलेट करते। ये हो गया, अभी एक लेक्चर और बचा ऑलमोस्ट, जिसके अंदर हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है टेंसर के अंदर, टेंसर में एक तो मैट्रिक टेंसर के बारे में बात करता है ज़्यादा, मैट्रिक में मैट्रिक टेंसर वाला वो पूछा जाता है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और एक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसके अंदर मैं बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं बाकी के। ठीक है, ओके।